और इस खास पेशकश में हम बात करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ की इस प्रचंड जीत की। तो देश में विधानसभा चुनाव तो पांचों राज्य में हुए, लेकिन चर्चा में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और सीएम योगी आदित्यनाथ ही रहे। इसमें भी योगी के साथ एक और शब्द जुड़ चुका है, बुलडोजर, जो सबकी जुबान पर था। पूरी रिपोर्ट देखिए। 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए। श्रीमान योगी जी भी ये भी कम खिलाड़ी नहीं है। एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है। यूपी में काबा, यूपी में काबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। पूरा भारत पिछले 3 महीने से यही सवाल कर रहा था, आखिर यूपी में काबा। और 10 मार्च 2022 को यूपी ने इस सवाल का जवाब प्रचंड बहुमत से दे दिया। प्रचंड बहुमत प्राप्त की है। इस प्रचंड बहुमत के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। बुलडोजर यानी जमीन को समतल करने वाली वो शक्तिशाली मशीन जिसने उत्तर प्रदेश के चुनाव में तमाम विरोधियों के मुद्दों के गड्ढों को समतल करके सत्ता की ऐतिहासिक मीनार फिर से योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में खड़ी कर दी है, जिन्हें प्रचार से लेकर विजय तक अब बुलडोजर बाबा कहा जा रहा है। बुलडोजर ऐतिहासिक चुनावी विजय का उत्तर प्रदेश में प्रतीक बन गया है और बुलडोजर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सुरक्षा की भावना बन गया है। उसका परिणाम जनता जनार्दन ने जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति को पूरी तरह तिलांजलि देते हुए 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ विजय श्री उपलब्ध कराई है। यूपी की गद्दी पर एक बार फिर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ कब्जा कर लिया है। राज्य में 37 साल के बाद किसी दल ने बैक टू बैक सत्ता हासिल की है और यूं तो इस जीत के किरदार और कारण कई हैं, पर इन कारणों के सेंटर पर रहे प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ। अब समझिए कि इस महाभारत के कुरुक्षेत्र में योगी के तर्कश के 5 पांडव कौन रहे। कानून व्यवस्था और अपराधियों पर शिकंजा, समाजवादी पार्टी की धूमिल छवि, मोदी लहर अब भी जारी है, यूपी में बही विकास की बयार, उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर। उत्तर प्रदेश ने देश को अनेक प्रधानमंत्री दिए, लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले किसी मुख्यमंत्री के दोबारा चुने जाने का यह पहला उदाहरण है। नड्डा जी ने विस्तार से बताया, उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद कोई सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। उत्तर प्रदेश में विरोधियों ने कई तरह के नैरेटिव्स कहे, सूबे में बीजेपी को टेंट पहुंचाने की रणनीति भी मजबूती से तैयार की गई, लेकिन नतीजों ने बता दिया कि यूपी को बाबा बुलडोजर ही पसंद है। रांची से रफ्तार मीडिया के लिए खास रिपोर्ट।